मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं हूँ भारती और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं हूँ अपने टॉप पे जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डोर वगैरह खोल दी है और ये देखिए पानी अंदर है हुआ है। यहाँ से पूरा इस डोर से अंदर आ जाता है। तो मैं जा रही हूँ ऊपर। और कल का ब्लॉग मैंने इतना अच्छा बनाया था, काफ़ी कुछ था और वो मुझसे आज अभी डिलीट हो गया। अभी मुझे फिर से सुबह ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो गार्डन से ही शुरुआत करते हैं। रात को भी बहुत बारिश हुई और फूल खिले हुए हैं अच्छे अच्छे। और ये देखो बारिश के कारण कितना अच्छा हो गया है। और एक यहाँ पे और लगा हुआ है देखिए, ये तो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं अब। और ये इतने सारे फूल खिले हुए हैं, इनकी खुशबू रात को ना बहुत अच्छी आती है। एक यहाँ पे भी लगा हुआ है और ये भी बढ़ेगा। और एक ये है, तो मुझे लग रहा है इस बार की सब्जी हो जाएगी। और भिंडियाँ भी लगी हुई हैं, उधर से तोड़ने वाली हैं, उनको भी मैंने अभी तोड़ना है। और ये मेरी अपराजिता की बेल है ब्लू वाली, और ये इतनी बढ़ नहीं रही, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। और यहाँ पर मूलियाँ लगी हुई, यहाँ से मैंने वो निकाली थी जो मैंने परांठा बनाया था। और इस तरह से है। और ये देखो येलो वाले फूल बहुत अच्छे खिल रहे हैं और पिंक वाले भी। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे कि 2-3 दिन यहाँ पे बारिश हुई है पंजाब में, तो उससे क्या है कि बहुत सारी जो मिट्टी है और बहुत सारे जो पत्ते हैं, जैसे कोई झड़ने वाले पत्ते होते हैं, जैसे मतलब कि उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है, तो वो पत्ते जो हैं बारिश और हवा से इधर इस तरह से इधर उधर गिर जाते हैं। तो जो मैंने निकालना था, जैसे कुछ अपने गार्डन से एक्स्ट्रा कचरा वगैरह या कोई पुराना प्लांट या पुराना कोई प्लांटर, तो वो मैंने आज निकाल दिया। तो धीरे धीरे जो अपने गार्डन को मैं क्लीन कर रही हूँ, एकदम से नहीं होता है। जैसे पॉलीबैग वगैरह हैं, उनमें मिट्टी डाल के मैं कुछ ना कुछ लगा देती हूँ, तो जब वो ख़राब हो जाता है, गल जाता है, तो उसके बाद उसको निकालना होता है। तो बस वही चीज़ें मैंने आज निकाली हैं कुछ, और कुछ में मैंने
इस तरह से मिट्टी वगैरह को और एडजस्ट किया है। तो ये काम जो होते हैं डेली वर्क वाले ही होते हैं। तो गार्डन जो है इतना बड़ा या इससे और बड़ा या इससे थोड़ा सा छोटा या लगा लो कोई भी गार्डन अगर आप क्रिएट करते हो तो उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है, तो आसान नहीं होता है। तो आपको दिन में 2-3 घंटे उसको देने पड़ते हैं, तब जाके चीज़ें जो है सही अपने ट्रैक पे रहती हैं। तो देखने में तो ऐसे लोगों को लगता है कि गमले हैं रखे हैं उनमें पौधे लगा दिए एक बार और सुबह शाम पानी दे दिया और बस, गार्डनिंग ये नहीं होती भाई, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम देखना पड़ता है, पौधों की देखभाल करनी पड़ती है, उनकी कटाई करनी पड़ती है, उनको खाद देनी पड़ती है, उनकी गुड़ाई भी करनी पड़ती है, उनको थोड़ा सा प्यार भी चाहिए होता है। तो मैं तो अपने पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अगर कहीं मुझे इनको छोड़ के किसी दिन जाना पड़े तो उस दिन से मुझे सोच के उस दिन को मुझे डर लगता है। तो इसीलिए बस यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी लाइफ है, इनसे मेरी ज़िंदगी है। तो सुबह भी इनसे ही शुरू होती है मेरी, शाम भी इनसे ही शुरू होती है। तो सब मेरा साथ छोड़ जाते हैं लेकिन ये नहीं छोड़ के जाते, लेकिन मुझे ये पूरा पता है कि किसी ना किसी दिन इनका साथ मैं छोड़ूंगी, ये मुझे कभी छोड़ने वाले नहीं है। तो जिस दिन भी छोड़ूंगी मैं इनका साथ छोड़ूंगी, ये मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते हैं। तो ये मेरी कह सकते हो आप एक मेरी लाइफ लाइन है, इसी के सहारे मैं ज़िंदा हूँ। अगर ये मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद पता नहीं मैं कितने बड़े डिप्रेशन में चली जाती। तो यहाँ पे क्लीनिंग सारी हो चुकी है, कपड़े मैंने धूप में डाल दिए हैं कल वाले, तो धूप आज निकली है हल्की हल्की, इतनी नहीं निकली लेकिन शाम तक धूप तेज़ हो गई थी। तो सारा मैंने यहाँ पर क्लीन कर दिया, अभी नीचे जाऊँगी वहाँ पर भी क्लीनिंग करूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा क्लीनिंग व्लॉग, आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, नई जानकारी के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।